तो यहाँ पे मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था 300 नंबर तक। तो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे होगा, सोन नदी की लंबाई कितनी है? इस प्रश्न का आंसर होगा 780 किलोमीटर सोन नदी की लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न, सोन नहर कब बनाया गया था? ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा 1874 ईस्वी में सोन नहर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था? तो लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा, और यह अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? इस प्रश्न का आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। ये वो डेट था जब भारत का संविधान लागू हुआ था, और संविधान बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है, इंडिका की रचना किसने की? आंसर होगा मेगास्थनीज ने। इंडिका के रचनाकार है मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज जो थे वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। दोस्तों एक बार पुनः आप सभी को याद दिला दूं कि ये सभी प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला प्रश्न है, इंडिका की रचना किसने की? तो आप सभी को पता है इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। अल्बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल्बरूनी किसके साथ भारत आया था? आंसर होगा महमूद गजनवी के साथ 1070 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, किताबुल हिंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? आंसर होगा अल्बरूनी की। नेक्स्ट प्रश्न, रोहिल्ला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? इस प्रश्न का आंसर होगा इब्न बतूता, जो कि मोरक्को के रहने वाले थे। रोहिला नामक पुस्तक के लेखक हैं इब्न बतूता, मोरक्को निवासी थे ये। हुवेन शांग किसके दरबार में रहते थे? तो एक चीनी यात्री थे, ये हर्ष के दरबार में रहते थे, हुवेन शांग। मिस्र की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर होगा काहिरा। मिस्र की राजधानी है काहिरा। नेक्स्ट प्रश्न, किस शहर की राजधानी नैरोबी है? इस प्रश्न का आंसर होगा केन्या। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था केन्या की राजधानी कहाँ है, तो यहाँ पे प्रश्न था किस शहर की राजधानी नैरोबी है, इसका आंसर होगा केन्या। अगला प्रश्न है, गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? इस प्रश्न का आंसर होगा आर के नारायण। गाइड उपन्यास के लेखक हैं आर के नारायण। दोस्तों एक काफी चर्चित उपन्यास है जिसका नाम है मालगुड़ी डेज। आप कमेंट करके बताइए मालगुड़ी डेज के लेखक कौन है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? इस प्रश्न का आंसर होगा महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर अवस्थित है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किसकी खेती होती है, किसकी खेती की जाती है, किस फसल की? आंसर होगा धान की खेती की जाती है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भारत में। अगला प्रश्न है, इराक की मुद्रा क्या है? इस प्रश्न का आंसर होगा दिनार। इराक की मुद्रा है दिनार। मालगुड़ी डेज के रचनाकार कौन है, यही प्रश्न है। तो आई होप कि आप लोगों ने कमेंट किया, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं मालगुड़ी डेज के रचनाकार कौन है। इस प्रश्न का आंसर होगा आर के नारायण। गाइड उपन्यास के भी लेखक हैं आर के नारायण, और मालगुड़ी डेज के भी रचनाकार हैं आर के नारायण। आप इसे ध्यान दीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है दोनों प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र को सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। कालिदास पुरस्कार सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा आरंभ किया गया है? कालिदास पुरस्कार सम्मान लागू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? आंसर होगा विष्णु शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न, वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? वर्मा म्यांमार का पुराना नाम है, और प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था। इस प्रश्न का आंसर होगा 1935 में। नेक्स्ट प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का आंसर होगा 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले को
किसके राजनीतिक गुरु कहा जाता था? आप सभी को पता होगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, मैंने अभी आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम 324 नंबर प्रश्न। किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था? इस प्रश्न का आंसर होगा 1975 में। नेक्स्ट प्रश्न है, आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित किया गया? आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित किया गया था? इस प्रश्न का आंसर होगा 1950 में। देखिए यहाँ पे सिक्किम के बारे में जो प्रश्न है कि 22वां राज्य बना था, देखिए 22वां राज्य जो इसका 34वां संविधान संशोधन हुआ था तो 1974 में यह सह राज्य बना था। उसके बाद 1975 में जब 35वां के बाद 36वां जब संशोधन हुआ तो 36वें संशोधन में सिक्किम राज्य का निर्माण हुआ था 1975 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर होगा सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो आंसर होगा एनी बेसेंट। अगर आपसे भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न, गाजर में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए गाजर में मुख्य रूप से पाया जाता है। भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? इस प्रश्न का आंसर होगा कच्छ के रण में जंगली गधा पाए जाते हैं। इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। आपने अगर उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम। चलिए अगला प्रश्न है, बैरोमीटर में पारा अचानक गिर जाए तो इसका मतलब क्या है? बैरोमीटर में अगर पारा अचानक से गिर जाए तो इसका मतलब होता है आंधी या झंझावात की संभावना बन रही है। देखिए आंधी तो आप लोग सबको समझ रहे हैं, लेकिन झंझावात क्या होता है? तो झंझावात उसे कहते हैं जब तेज बारिश के साथ साथ तेज हवा भी बहे तो उसे झंझावात कहा जाता है। अगर तेज हवा भी बह रहा हो और तेज बारिश भी हो रही है तो इस क्रिया को झंझावात के रूप में जाना जाता है। तो बैरोमीटर में पारा अचानक से गिर जाए तो इसका मतलब यही होता है कि आंधी या झंझावात की संभावना बन रही है। पोलियो किस कारण से होता है? इसका आंसर होगा वायरस के कारण। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर से संबंधित है ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर। खरगोश से किस प्रकार का ऊन प्राप्त किया जाता है? आंसर होगा अंगोरा ऊन। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है तो आंसर लिखेंगे खरगोश से। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का आंसर होगा महाराष्ट्र। सेब में मुख्यतः क्या पाया जाता है? आंसर होगा लोहा। सेब में मुख्यतः लोहा पाया जाता है और यह हमारी पाचन क्रिया को काफी मजबूत बनाता है। अगला प्रश्न है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि क्या है? इस ध्वनि को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा श्रव्य ध्वनि, जिसे हम मनुष्य कान सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को मनुष्य का कान सुन सकता है और इसे श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक उर्वरकों में मुख्यतः क्या क्या शामिल होता है? आंसर होगा नाइट्रोजन पोटेशियम और फॉस्फोरस। रासायनिक उर्वरकों में मुख्य रूप से नाइट्रोजन पोटेशियम और फॉस्फोरस शामिल होता है। दही का खट्टापन किस कारण से होता है? लैक्टिक एसिड के कारण दही का खट्टापन होता है। अगला प्रश्न है, डेसिबल का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है मानव शरीर में? इसका आंसर होगा हड्डियों के विकास के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है मानव शरीर में। किस विटामिन के कारण रक्त का
थक्का जमता है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर होगा विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है? आंसर हो जाएगा नगर पालिका से। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? यहां पे आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी अनुमानित कितनी थी? तो इसका आंसर होगा लगभग 10 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी लगभग थी 10 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न, भारत और चीन की सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करता है? तो भारत और चीन की सीमा का निर्धारण करता है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट प्रश्न, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? आंसर होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दो भागों में बांटती है डुरंड रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगलयान को कब प्रक्षेपित किया गया था? इस प्रश्न का आंसर होगा 5 नवंबर 2013 ईस्वी को मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया था। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? इस प्रश्न का आंसर होगा बैडमिंटन से। नेक्स्ट प्रश्न है, कीनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ये भारत में स्थित है। कीनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो आंसर होगा जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना किसने की है? मृच्छकटिकम जो कि संस्कृत भाषा के शब्द है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना किसने की है? इसका आंसर होगा शूद्रक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? देखिए, इससे जितना भी प्रीवियस वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है लोक नृत्य से संबंधित एक एक प्रश्न लगभग जरूर डाला गया है। तो अगला प्रश्न जो है, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न, गौरा की रचना किसने की? इस प्रश्न का आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने गौरा की रचना की थी। अगला प्रश्न है, गोदान गबन और रंगभूमि किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? इस प्रश्न का आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। गोदान गबन और रंगभूमि ये सभी काफी चर्चित पुस्तक है, इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट प्रश्न, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? आंसर हो जाएगा प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की संसद कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका की संसद है कैप टाउन में। अगला प्रश्न है, द डार्क रूम के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा आर के नारायण। द डार्क रूम के लेखक हैं आर के नारायण। नेक्स्ट प्रश्न, नेचर की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं पुस्तक से संबंधित, सभी प्रश्न जो आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें 1 से 2 प्रश्न को डाला गया है पुस्तक से संबंधित, तो नेचर की ओर पुस्तक के लेखक हैं, हमारा आंसर होगा मोरारजी देसाई। देखिए, मोरारजी देसाई के बारे में एक फैक्ट है, पूरे विश्व में किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र वाले प्रधानमंत्री बनने का इसे गौरव प्राप्त है मोरारजी देसाई को। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता किसके द्वारा लिखी गई है? तो चंद्रकांता के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री, इसी के द्वारा चंद्रकांता लिखी गई है, नाम है देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट प्रश्न, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन थे? इस प्रश्न का आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न है, महानदी हीराकुंड बांध किस राज्य में है? पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो वहां पर आंसर था महानदी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि महानदी हीराकुंड बांध किस राज्य में है,
इस प्रश्न का आंसर होगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो भारत की प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी पर। अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान अनुसंधान कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान अनुसंधान संस्थान कहां पर है? इस प्रश्न का आंसर होगा मनीला में। अगला प्रश्न है, भारत की केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? इसका आंसर होगा कटक में। अगर विश्व की बात करें तो मनीला, और अगर भारत की बात करें तो ये कटक में है। अगला प्रश्न है, मालदीव और पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो आंसर होगा रुपया। मालदीव और पाकिस्तान की मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट प्रश्न, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रुपया। इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपिया। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा भारत और किस देश में फैली हुई है? इस प्रश्न का आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि भारत और बांग्लादेश में फैली हुई है। कालिदास किस शासक के दरबार में रहते थे? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? इसका आंसर होगा कालिदास ने। मेघदूतम की रचना भी कालिदास के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुषार्थ बनने के लिए धनवान बनो, यह बात किस पुस्तक में लिखी हुई है? पुरुषार्थ बनने के लिए धनवान बनो, यह बात किस पुस्तक में लिखी हुई है? आंसर होगा पंचतंत्र में, और पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक भारत में की खड़ी बोली का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक भारत की खड़ी बोली का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न, बर्मा ब्रिटिश भारत से किसके शासन काल में अलग हुआ था? इसका आंसर होगा लॉर्ड डफरिन के शासन काल में 1935 में। आपसे ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहां पर है? तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद में, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। देखिए यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात किया जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद में। और अभी कुछ देर पहले प्रश्न आया था, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो मैंने आपको बताया था 1916 में। तो ये सारी चीजें आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, बिहार से सर्वेंट ऑफ इंडिया के सक्रिय सदस्य कौन थे? इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था, और बिहार का जिला है सिवान। सिवान जिले के जीरादेई ग्राम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, वाराणसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1905 में किसने की? इस प्रश्न का आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस के 1905 अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया, जो कि बनारस में हुआ था। वाराणसी का ही पुराना नाम बनारस है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर विश्व का सबसे अधिक रक्षा बजट किस देश का है? आई थिंक ये प्रश्न आप सभी को पता होगा, इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है अभी, तो सबसे अधिक रक्षा बजट है अमेरिका का। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर होगा प्रेम तमांग, और सिक्किम की राजधानी है गैंगटोक। और सिक्किम के बारे में एक जरूरी फैक्ट है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, सिक्किम भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर सप्ताह में 2 दिन सरकारी छुट्टी होता है। आमतौर पर रविवार को छुट्टी होती है, लेकिन सिक्किम में शनिवार और रविवार सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी दिया जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और पवन तमांग से पहले सिक्किम के मुख्यमंत्री थे पवन चामलिंग, प्रेम तमांग से पहले सिक्किम का मुख्यमंत्री थे पवन कुमार चामलिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल के किस दशक में लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई? नेपाल में किस दशक में लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1990 के दशक में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, सरोजनी नायडू ने किस वर्ष कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इस प्रश्न का आंसर होगा 1925 में सरोजनी नायडू ने
कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। देखिए प्रश्न दो बार रिपीट हो गया है तो कोई बात नहीं, इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। आप प्रश्नों को जितनी बार देखेंगे आपको उतना ही याद होगा। आप एक बार पूरे वीडियो को देखिए फिर दोबारा देखिए, या फिर आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है आप वहां पर भी देख सकते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आप जो चीज आंखों से देखते हैं और कान से सुनते हैं वो आपको लंबे समय के लिए याद रहता है, तो जरूरी ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप वीडियो को देखें और अपने प्रश्नों को ध्यान रखें कि आपने क्या क्या पढ़ा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हमारा यहाँ पे 385 नंबर प्रश्न है, एनी बेसेंट ने 1917 में कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस प्रश्न का आंसर होगा कोलकाता अधिवेशन के, जबकि सरोजिनी नायडू के बारे में कहा गया इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दोनों चीजें आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। आंसर होगा विटामिन बी और विटामिन सी, जल में घुलनशील विटामिन है ये दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। आंसर होगा असम में। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का आंसर होगा एक सींग वाले गेंडे के लिए। मानस राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हाथी के लिए। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैरोमीटर की सहायता से क्या मापा जाता है। इस प्रश्न का आंसर होगा हवा के दबाव को मापा जाता है बैरोमीटर की सहायता से। चलिए अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सी जनजाति रहते हैं, यानी कि नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सी जनजाति निवास करती है। इस प्रश्न का आंसर होगा टोडा। WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया। आंसर होगा 27 मार्च 2014 को WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चेचक किसके द्वारा फैलता है। इस प्रश्न का आंसर होगा वायरस द्वारा। प्याज में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो आंसर होगा सल्फर या फिर गंधक। प्याज में मुख्य रूप से सल्फर या गंधक पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादन किस राज्य में होता है। इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इस मामले में सबसे आगे है, सबसे ज्यादा सब्जियों का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है और 1911 से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे यहाँ 397 नंबर प्रश्न, आलू और गन्ने के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। इस प्रश्न का आंसर होगा उत्तर प्रदेश। भारत में मसाले के उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, तो भारत में सबसे ज्यादा मसाला उत्पादन होता है केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है, कौन सा ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर होगा ओ रक्त समूह में। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन थे। इस प्रश्न का आंसर होगा लैंड स्टीनर ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता थे। तो दोस्तों यहां पर इस वीडियो में कुल 100 प्रश्न थे, यहां पे हमने 300 से लेकर 400 नंबर तक का प्रश्नों को आपको कवर कराया। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रहा। और चैनल पे पहली बार अगर आपने विजिट किया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सपोर्ट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अधिक वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो चैनल पे अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो दोस्तों मिलेंगे इस वीडियो में अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, आसपास सफाई रखें, कोरोना वायरस से डरें और लोगों को सचेत रहने की सलाह दें। सावधान रहें, सतर्क रहें और देश की सेवा में अपना योगदान जरूर दें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।